हेलो दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। जून में होने वाले T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की यह आखिरी द्विपक्षीय T20 सीरीज है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की 13 महीनों बाद T20 टीम में वापसी हुई है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। 2022 T20 विश्व कप के बाद से न तो रोहित और न ही कोहली ने कोई अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला है। दोनों की वापसी से इतना तय माना जा रहा है कि आगामी T20 विश्व कप में ये खेलते नजर आएंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज T20 विश्व कप से पहले भारत की आखिरी द्विपक्षीय T20 सीरीज है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में समाप्त हुई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों वास्तव में प्रभावशाली थे। टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। भारतीय टीम: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मुकेश कुमार। ये भारत की प्लेइंग 11 रहने वाली है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।